निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कहा, लेकिन योगी सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ओबीसी तबके को नाराज नहीं करना चाहती है। वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है, वो सरकार पर लगातार ओबीसी समाज की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष को ओबीसी विरोधी करार दे रहा है। क्यों यूपी में निकाय चुनाव को लेकर हर कोई ओबीसी को साध रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, देखिए। यूपी में सत्ता की कुंजी अगर किसी के पास है तो वो ओबीसी समाज है, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। और निकाय चुनाव को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद पार्टियों का रुख इसकी एक बार फिर तस्दीक करता है। सरकार ने कहा कि वो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएगी। अखिलेश, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मायावती, आम आदमी पार्टी के नेता संविधान की दुहाई देकर सरकार को घेरने लगे। योगी सरकार को आरक्षण विरोधी और ओबीसी विरोधी बताने में जुट गए। मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला बीजेपी और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच को प्रकट करता है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हक छीना है और कल बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। सपा सरकार के खिलाफ सामाजिक हुंकार भरने की बात कहने लगी, जिसका जवाब देने के लिए सरकार की ओर से पिछड़े वर्ग का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सरकार और संगठन की ओर से मोर्चा संभालते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ करना पड़ा कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसके पीछे वजह है ओबीसी वोटर, जिनकी यूपी की आबादी में अच्छा खासा नंबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर 234 किस्म की पिछड़ी जातियां आती हैं और करीब 35% आबादी ओबीसी से आती है। इसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, कश्यप, सैनी, साहू समेत कई ओबीसी जातियां शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस समाज के पास ही सत्ता की कुंजी है। बीजेपी जो लगातार दो बार से केंद्र की सत्ता में है, लगातार दो बार से यूपी की सत्ता पर काबिज है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें जीती थी। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती और 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में 255 सीटों पर विजय पताका फहराया। माना जाता है कि दोनों चुनाव में बीजेपी को ओबीसी बिरादरी ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। यादव को छोड़कर सभी जातियों ने खुलकर समर्थन किया था। यही वजह है कि बीजेपी ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी तो निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। इधर समाजवादी पार्टी जो दलितों और अति पिछड़ों पर फोकस बढ़ा रही है, सपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोहियावादी और अम्बेडकरवादी को एक मंच पर आने का आह्वान किया था। नतीजा रहा कि सपा का वोट बैंक करीब 36% तक पहुंच गया। सत्ता से भले ही सपा दूर रही, लेकिन वोट बैंक बढ़ाने से शीर्ष नेतृत्व गदगद दिखा। उपचुनाव में भी ये रणनीति अपनाई गई और सफल रही। और अब जब हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आदेश सुना दिया, ऐसे में सपा की रणनीति है कि सपा गांव गांव घर घर जाकर इस मुद्दे को धार देगी और ओबीसी के साथ साथ दलित समुदाय को साधने की कवायद करेगी। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सभी दल ओबीसी वर्ग को साधने में लग गए। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगर निकाय चुनाव करवाए जाएं, जिसके बाद सभी पार्टियों में खलबली मच गई। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव तो संभव ही नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्षी दल सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि नगर निकाय चुनाव होने में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी को सभी दल अपना बताने में लगे हुए हैं। क्या सिंधवाकर के साथ ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।